आज हम मस्क मेलन कूलर है वो बनाएंगे। अभी मस्क मेलन बहुत सीजन में है और बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, और ये रेसिपी है वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट में है, यानी आइसक्रीम से भी अच्छा आपको ये वाली रेसिपी है वो लगेगी। तो सबसे पहले मैं क्या है, खरबूजे का ऊपर वाला पार्ट है हम सर्व अभी इसी के ही अंदर करेंगे, तो मैं ऊपर का पार्ट है वो इस तरह कट कर लेती हूँ। अब हमें क्या है, इसके जो सीड्स हैं वो निकाल देने हैं पहले। इसके जितने जितने भी सीड्स हैं वो मैं एक स्पून की मदद से निकाल देती हूँ। अब मैंने इस तरह सारे बीज हैं वो इसके निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका गुद्दा है वो बाहर निकालना है, तो मैं एक स्पून की मदद से इसका गुद्दा है वो भी बाहर निकाल लेती हूँ। कोई बीज रह गया हो तो हमें साइड में कर देना है। इसमें हमारा वेस्ट है वो कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह हम सारा गुद्दा है वो इसका निकाल लेंगे, और सारा गुद्दा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इस तरह खरबूजे का पूरे का गुद्दा निकाल लिया है। थोड़ा खरबूजा लेके मैं इसको क्या है, छोटे छोटे चंक्स चाहिए मेरे को, तो थोड़ा सा मैं प्लेट में ले लूंगी और इसके छोटे छोटे चंक्स है वो करूंगी, और बाकी को मैं डालूंगी मिक्सर जार में। तो इनको हमें इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। तो अब मैं एक मिक्सर जार ले लिया है मैंने, इसमें मैं अपना जो बचा हुआ खरबूजा है उसको हमें जूस के साथ ही डाल देना है। इसके अंदर डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम, 50 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम लिया है अमूल का। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर लिया, क्योंकि ये खरबूजा बहुत मीठा है, तो खरबूजे के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको शुगर डालनी है। तो यदि कम मीठा हो तो आप 2 से 3 चम्मच तक इसमें चीनी है वो डाल सकते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ चर्न। यदि आपको इंस्टेंट यूज करना है तो आप इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हो, मेरे को इसमें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूंगी। तो मैं इसको करती हूँ चर्न और आपको दिखाती हूँ। तो खरबूजे को मैं प्लेस कर देती हूँ एक बाउल के ऊपर, और इसमें मैं अपना मिक्सचर है वो डाल रही हूँ। इसको आप ठंडा ठंडा करके खाइए। इसी के अंदर मैं ये जो चंक्स है ये भी डाल देती हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच को हम इसके अंदर ही रहने देंगे और इसको यूं ही रख देंगे फ्रिज के अंदर, और ऊपर से डालूंगी मैं नट्स। नट्स में आप काजू, पिस्ता, अखरोट, सीड्स कुछ भी ले सकते हो। और हमारा मस्क मेलन कूलर तैयार है, आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।